हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम जावा प्रोग्रामिंग की क्लास में टाइप कास्टिंग पढ़ने जा रहे हैं। ऑलरेडी इसके पहले क्लास में हम थोड़ा सा इंट्रो बता चुके हैं टाइप कास्टिंग के बारे में, तो आज हम उसके बारे में डीपली से बात करते हैं, उसकी डिफिनेशन के बारे में बात करेंगे और उस पर हम एग्जाम्पल भी देंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसी मैनुअल हम इसके बारे में समझ लेते हैं कि टाइप कास्टिंग क्या है। ये भी ध्यान रखिएगा कि हम यहाँ पे जो चीज़ें बताएंगे तो बताएंगे ही, इसके साथ में आप लोगों को इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, तो आप उनको भी देख सकते हैं। पीडीएफ में चीज़ें देखो मैनेज तरीके से हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा आप लोगों को समझाने के तरीके से चीज़ों को चेंज भी कर सकते हैं। ओके, तो ध्यान दे दीजिए, हम यहाँ पे जावा टाइप कास्टिंग की बात करते हैं। टाइप कास्टिंग का मतलब ये होता है कि एक ऐसा तरीका जो कि हमारे डेटा टाइप को एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में बदलने का कार्य करता है या चेंज करने का कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं, टाइप कास्टिंग कहते हैं। जो कि प्रिमिटिव टाइप के डेटा टाइप होते हैं उन्हीं पर हम ये कार्य करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक लाइन हम यहाँ पे डेटा टाइप के बारे में दे सकते हैं, यहाँ कह सकते हैं आप डेटा टाइप कास्टिंग ऑफ डेटा टाइप भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम देते हैं ऑन क्या है, टाइप कास्टिंग। ठीक है, अब टाइप कास्टिंग का काम क्या होता है हम उस पर बात करते हैं। द टाइप कास्टिंग इज व्हेन यू असाइन अ वैल्यू द टाइप कास्टिंग व्हेन यू असाइन वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ one primitive data type and it is changed another data type। यहाँ कहने का मतलब यह है कि टाइप कास्टिंग में जब हम किसी भी वैल्यू को इसमें असाइन करते हैं जो कि एक प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, और जब उसको हम दूसरे डेटा टाइप में चेंज करते हैं तो वही हमारा क्या होता है, टाइप कास्टिंग। और ये जो टाइप कास्टिंग है हमारी वो दो प्रकार की होती है। ठीक है, जो हमने यहाँ पे आपको बता भी रहा है और पहले भी डिस्कस किया है, वाइडनिंग पहला हो जाएगा। ठीक है, पहला क्या हो गया हमारे यहाँ पे वाइडनिंग हो गया, और दूसरा हो गया नैरोइंग। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये दो टाइप्स के यहाँ पे टाइप कास्टिंग के बारे में हम पढ़ने चाहिए। जैसे हमने यहाँ बताया ये वन प्रिमिटिव डेटा टाइप को चेंज कर रहा है दूसरे प्रिमिटिव डेटा टाइप में, अब यहाँ पे डिफाइन होगा कि किस तरह के डेटा टाइप होता है और किस तरह से चेंजेज होते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, वेडिंग टाइप कास्टिंग का मतलब ये होता है कि एक ऐसी टाइप कास्टिंग जिसमें लोएस्ट यानी स्मॉलेस्ट डेटा टाइप से लार्जर डेटा टाइप में चेंज करना। क्या होता है वेडनिंग डेटा टाइप जो होता है हमारा स्मॉलेस्ट डेटा टाइप को लार्जर डेटा टाइप में कन्वर्ट करने का कार्य करता है, और ये अभी कर सकते हैं असेंडिंग फॉर्म में ये डेटा को कन्वर्ट करने का काम करता है, और वही इसका जस्ट अपोजिट कार्य करता है नैरोइंग डेटा टाइप कास्टिंग। नैरोइंग में क्या कॉन्सेप्ट होता है, ये लार्जर डेटा टाइप से स्मॉलेस्ट डेटा टाइप में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। तो दैट इज क्लियर बोथ पॉइंट्स, नाउ डिक्लेयर द डेफिनेशन विद एग्जांपल। ओके,
एंड राइटनिंग डेटा टाइप के बारे में बात करते हैं, सॉरी राइटनिंग डेटा टाइप कास्टिंग। राइटनिंग के बारे में बात करते हैं, दिस टाइप कास्टिंग इज is convert data smallest type to larger टाइप। अब यहाँ पे देखिए हमने बताया ये जो टाइप कास्टिंग होती है हमारी ये कन्वर्ट करती है स्मॉलेस्ट डेटा टाइप को लार्जर डेटा टाइप में, ठीक है। और इसका जो कॉन्सेप्ट होता है इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, सबसे जब छोटा हमारा क्या कहते हैं यहाँ पे डेटा टाइप होता है वो क्या होता है बाइट होता है के बाद हमारे पास क्या होता है शॉर्ट के बाद करैक्टर के बाद इंटीजर के बाद यहाँ पे लॉन्ग के बाद यहाँ पे फ्लोट और फ्लोट के बाद, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या हमने किया, जो हमारी वाइडनिंग टाइप कास्टिंग है ये छोटे डेटा टाइप को बड़े डेटा टाइप में कन्वर्ट करने का कार्य करता है, जिसका कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। आप ऐसे कह सकते हैं ये इंक्रीमेंट ऑर्डर में टाइप कास्टिंग भी पड़ता है, जिसे हम यहाँ पे ऑटो, ठीक है, जिसे हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं ऑटो टाइप कास्टिंग भी कह सकते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड ऑटो टाइप कास्टिंग, दिस इज आल्सो कॉल्ड ऑटो टाइप कास्टिंग, ठीक है। ये हमारा क्या है यहाँ पे, इसको आप नोट से समझ लीजिए, ओके। अब ये तो हो गया हमारा वार्निंग, अब वार्निंग के बाद हम यहाँ पे नैरोइंग कास्टिंग की बात करते हैं, जो मैनुअली होती है, नैरोइंग टाइप कास्टिंग के बारे में हम बात करते हैं। अब नैरोइंग डेटा टाइप कास्टिंग की अगर हम बात करते हैं तो इसके बारे में यह कह सकते हैं कि नैरोइंग कन्वर्ट अ लार्जर टाइप टू अ स्मॉलर साइज डेटा टाइप, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम देखते हैं, यहाँ पे टू कन्वर्ट द लार्जेस्ट डेटा टाइप इनटू द स्मॉलेस्ट डेटा टाइप, इट इज आल्सो कॉल्ड द मैनुअल टाइप कास्टिंग, मैनुअल टाइप कास्टिंग, ओके। अब ये हो गए हमारे दोनों, अभी हम इसमें क्या है इसके सी ऑर्डर्स को लिखने लिए जस्ट अपोजिट उसी का कर दो, सबसे बड़ा जैसे लास्ट में है तो सबसे बड़ा सबसे पहले यहाँ पे कर दो, डबल हो गया, डबल के बाद यहाँ पे हमारा आएगा फ्लोट हो जाएगा, फ्लोट के बाद यहाँ पे हम कर देते हैं लॉन्ग को, देन इंटीजर, और इंटीजर के बाद यहाँ पे आ गया कैरेक्टर, शॉर्ट एंड बाइट।
इस कॉन्सेप्ट में जो है यहाँ पे ये नर्विंग वर्क करता है, ये चीजें ध्यान देने वाली बात है, इसको आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ये देखिए असेंडिंग ऑर्डर में ये बात बताई जा रही है और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग और डिसेंडिंग तो आप लोग जानते ही होंगे, जो छोटे से बड़े की तरफ जब पढ़ते हैं उसे हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, और बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गए। टाइप कास्टिंग की डेफिनेशन यहाँ पे हो गई और टाइप्स ऑफ टाइप कास्टिंग हो गई यहाँ पे, जिनकी डेफिनेशन और उनके कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे दे दिए हैं। अब एग्जांपल्स की बारी है कि ये एग्जांपल इसमें हम कैसे अपने प्रोग्राम में इसका उपयोग करेंगे। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं हम यहाँ पे। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई हैं। अब हम यहाँ एक एक एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पे पढ़ना हमारा क्या है, वर्ड नेम, टाइप कास्टिंग, टाइप कास्टिंग। ओके, अब यहाँ पे हम इसको एग्जांपल की बात करेंगे। तो ठीक है, इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है वर्ड नेम टाइप कास्टिंग की, जो स्मॉलेस्ट साइज ऑफ डेटा टाइप को लार्जेस्ट साइज ऑफ डेटा टाइप में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। ठीक है, और इसमें हम देखते हैं कैसे कर सकते हैं। ये ऑटो है, इसमें देखिए सबसे पहले हम करते क्या है, एग्जांपल ध्यान दीजिए, फाइल पैकेज को हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट java.io.stack, देन पब्लिक क्लास, अब यहाँ किसी के नाम से हम यहाँ रख देंगे क्लास। ठीक है, WIDEWADNAME ये हमने नाम देते ताकि हमें समझ में आए कि हम कौन सी टाइप कास्टिंग कर रहे हैं। उसके बाद हमने ये क्लास के पैरेंथेसिस को ओपन किया और मेन को डिफाइन करते हैं, क्लास सॉरी पब्लिक स्टैटिक वायर्ड मैन स्ट्रिंग ARDS। ओके, एंड डिक्लेयर। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं मेन जो हमारा कार्य है यहाँ पे वही है कि हम यहाँ पे डेटा टाइप ही टाइप कास्टिंग करना है और उसी को यहाँ पे हमें डिक्लेयर करना है। अब यहाँ पे हम दो लेते हैं, जैसे मान लीजिए इंटीजर टाइप तो हमारा है, उसको हमें डबल में कन्वर्ट करना, मतलब कि छोटे से बड़े में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करते हैं। यहाँ पे हम एक इंटीजर ले लेते हैं। ठीक है, एक हमने इंटीजर ले लिया और यहाँ पे हमने एक वेरिएबल ले लिया i num ले लिया और इसकी वैल्यू हमने 9 यहाँ पे दे दिया। ठीक है, 9 दे दिया, यानी ध्यान रहे नाम जो वेरिएबल है वेरिएबल में हम वैल्यू पहले ही यहाँ पे डिफाइन करें। अब उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक डबल टाइप का डेटा टाइप क्रिएट करते हैं यहाँ पे, डबल DOUBLE हमने यहाँ पे डबल दे दिया। तो यहाँ पे हम देते क्या है, D num दिया। अब इसी में हम डायरेक्ट यहीं पे वैल्यू ने स्लाइड भी करा सकते हैं, चाहे तो हम डिक्लेयर करने के बाद भी ऐसा कर सकते हैं। तो हम यहीं पे क्या करेंगे, वैल्यू को डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, DNum = INum, अरे INum ये हमने यहाँ पे लिया। अब ये जो टाइप कास्टिंग है हमारे पास, इसे हम क्या कहते हैं, ऑटो टाइप कास्टिंग, ध्यान रहे। ठीक है, उसके बाद अब देखिए यहाँ पे चेंजेस क्या होते हैं, टाइप कास्टिंग पे चेंजेस क्या होते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसको प्रिंट कराते हैं, system.out.println और यहाँ पे हम सबसे पहले इंटीजर को प्रिंट कराते हैं। ठीक है,
यहाँ हमने दे दिया आई नाउ। उसके बाद अब हम जो टाइप कास्ट कर चुके हैं इंटीजर वाले वेरिएबल को, उसको प्रिंट कराते हैं। सो गिवन द सिस्टम कट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पे हमने ये वेरिएबल देना है डी नम। ओके नाउ द क्लोज नेम एंड क्लास। अब देखिए फर्स्ट जो टाइप कास्टिंग है हमारी वेरिएबल टाइप कास्टिंग, वो हमारी यहाँ पे हो गई। इसमें हमने क्या किया, क्लास बना दिया, क्लास वेरिएबल नेम मैन डिक्लेयर किया, आईडी इंटीजर नंबर दिया और ये डबल वन। अब यहाँ पे देखिए वो क्या रहा, यहाँ पे हमने इसके लिए कोई भी विशेष तरह से कोई डेटा टाइप या कुछ भी ऐसा यूज नहीं किया। इस नंबर को हमने डायरेक्ट दे दिया, जैसे किसी एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करते हैं सेम इटीज। ठीक है, जब हमने ऐसा दे दिया तो इसी की वैल्यू जैसे ही ऑटोमेटिक इसमें जैसे जाएगी तो वो डबल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को हम यहाँ पे ऑटो टाइप कास्टिंग कहते हैं। तो अब देखिए जब इसको हम रन कराएंगे तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो ऐसे मिलेगा, क्या चेंजेस हो रहा है, यही टाइप कास्टिंग का इफेक्ट है। तो सबसे पहले यहाँ पे आई नम हमने प्रिंट किया, आई नम वेरिएबल हमारे पास ये वैल्यू कितनी है यहाँ पे 9 है, तो ये सेम इट इज 9 को प्रिंट कर देगा। ठीक है, 9 को प्रिंट कर दिया, और 9 को प्रिंट करने के बाद उसके बाद यहाँ पे टाइप कास्टिंग हो। दूसरा जो हमने प्रिंटअप दिया डी नम दिया, तो डी नम वेरिएबल हमारा ये है और इसी में हमने आई नम इंटीजर नंबर को हमने यहाँ पे क्या किया है इसको इसमें असाइन किया है। तो जिस नंबर को इसमें असाइन किया है तो जैसे ही ये टाइप कास्टिंग के डबल में जाएगा तो ये हमें प्रिंट कर देगा 9.00। ये फर्क हुआ। ठीक है, क्या हुआ, ये इंटीजर सिर्फ 9 को प्रिंट किया, इसके साथ ये फ्रैक्शनल नंबर को ऐड करके हमें तब जाके ये आउटपुट दे रहा है। ठीक है, सो दैट इज क्लियर। तो अगर ये क्लियर हो गया है तो हम आगे दूसरे टाइप्स ऑफ कास्टिंग के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो दूसरे प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं। अब इसमें हम ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, सारी चीज़ें वही रहेंगी, बस थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। यहाँ हम क्लास चेंज कर देते हैं और इसको भी यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं, और ध्यान रहे इनको भी हम यहाँ पे चेंज कर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बड़े से छोटे की तरफ आना है। क्या करना है, हमें बड़े से छोटे की तरफ हमें कन्वर्ट होना है। तब हम यहाँ पे कैसे करेंगे, हमने क्लास अरेंज किया, इसको भी यहाँ पे अरेंज कर देते हैं, इन सबको नीट एंड क्लीन रहेगा, समझ में आएंगी चीजें। चलो यहाँ पे ठीक है, अब यहाँ पे हम क्लास दे देंगे, क्लास नैरोबी। ओके, ये हमारा मेन हो गया। अब यहाँ पे हम करने वाले क्या है, डबल बनाएंगे पहले, क्या करेंगे यहाँ पहले डी ओ यू बी एल डबल दिया, यहाँ हमने दिया डी नाइन। ठीक है, डबल टाइप का नंबर दिया और इसमें हमने दे दिया 9.75। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने डबल में दिया है, अब इसे हमें कन्वर्ट करना है इंटीजर में, तो इंटीजर में जब हमको कन्वर्ट करना है हमें यहाँ पे आई एन टी टाइप का भी एक वेरिएबल लेना होगा, तो हमने यहाँ पे दे दिया आई नम। आई नम देने के बाद अब यहाँ पे देखिए जैसे हमने पहले किया था, ठीक, सारी चीजें वैसे हैं, थोड़ा सा चेंजेस। अब देखिए क्या हो पाएगा, नहीं ये एरर है, इसको हमें बताना पड़ेगा, इसको हमें किसमें कर, यहाँ देने के बाद भी इस वैल्यू को भी यही हमें बताना होगा किसे किसमें हम चेंज करते हैं। यहाँ पे आई एन टी कीवर्ड इसका उपयोग करेंगे जिसमें हमें इसे टाइप कास्ट करना होगा इतना देने के लिए, और इसे हम कहते हैं मैनुअली टाइप कास्टिंग। ठीक है, ये हमारा मैनुअली टाइप कास्टिंग होता है। इतना होने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको प्रिंट कराएंगे तब हमें इसका इफेक्ट समझ में आएगा। और यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं दैट इज कन्वर्ट द
दैट इज कन्वर्ट द डबल इंटू इंटीजर, ठीक है, यानी डबल क्या होता है, इंटीजर से बड़ा होता है, तो बड़े से छोटे में कन्वर्ट किया जा रहा है। अब इसको प्रिंट करके इसके इफेक्ट को देखते हैं। हमने यहाँ पे दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, और यहाँ पे हम सबसे पहले डबल की वैल्यू को प्रिंट कराते हैं डी नम, ओके, और उसके बाद हम यहाँ पे करते क्या है, दूसरे प्रिंटर को भी क्रिएट करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। क्या हमने यहाँ पे दिया आई रेव, यहाँ पे हो गया आई अंडरस्कोर, ठीक है, तो ये भी प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर यही ध्यान दीजिए कि हो क्या है। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया डबल टाइप कर लिया वेरिएबल डी वन, और इसमें वैल्यू हमने इनिशियलाइज किया 9.75। जब यहाँ पे हमारा कर्सर आएगा और जब इसे प्रिंट करने के लिए आगे बढ़ेगा तो ये प्रिंट करेगा पूरा कितना 9.75 इस नंबर को प्रिंट किया। लेकिन उसके बाद जब ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जा रहा, टाइप कास्ट यहाँ पे हो रहा है, मेन जो प्रोसीजर है इसका ये है, ये जब टाइप कास्ट होगी इस पे वैल्यू इनिशियलाइज कर देगा तो ये सिर्फ और सिर्फ कितना प्रिंट करेगा यहाँ पे 9 प्रिंट करेगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये समझ में आया किस तरह से बड़े नंबर को छोटे में कन्वर्ट करने में फर्क दिख रहा है, और छोटे को बड़े में कन्वर्ट करते हैं तब हमें उसका पता चलता है, ठीक। तो यहाँ पर हमने दोनों टाइप्स की यहाँ पर टाइप कास्टिंग के बारे में बात की, जो आप लोगों को अच्छे से और बखूबी समझ में आ गई होगी। अगर अब हम इसी चीज़ को जस्ट अपोजिट करना चाहें कि दोनों के नंबर को लेते हैं और अलग अलग करते हैं, कि दोनों को एक साथ अगर करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो उस पर एक छोटा सा हम प्रोग्राम इसी में बना देते हैं, ठीक है। इसे हम अरेंज करते हैं, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए इंपोर्ट हमने किया यहाँ पे, हाँ इसको हटा दीजिए, इसका आपको कोई मतलब नहीं, दोनों एक साथ रहेंगे कंबाइन, ठीक है। पब्लिक क्लास यहाँ दे देते हैं टाइप टाइप कास्ट, ठीक है, और इसको हमने ओपन किया यहाँ दे दिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग ARGS, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए हमने यहाँ पे लिया INT आई नम, इसमें हमने लिया कितना 9 ले लिया और यहाँ डबल ले लिया हमने, डबल यहाँ हमने दे दिया डी नम, इसको हम यहाँ पे टाइप कास्ट कर रहे हैं। कौन सा टाइप कास्टिंग है यहाँ पर, ये हमारा है रेडनिंग, रेडनिंग कास्टिंग, ठीक है। इतना देने के बाद अब हम इसको यहीं पे प्रिंट कराते हैं सिस्टम डॉट प्रिंट एलएन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आई नेम की वैल्यू को प्रिंट कराते हैं, आई नाम, और उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन डी नाम, डी नाम, ठीक है, ये हो गया। अब ये किसको यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, वेडनिंग कास्टिंग को। अब हमें यहाँ पे दूसरा कौन सी कास्टिंग है हमारी यहाँ पे नैरोविंग, उसको करना है तो क्या करेंगे, यहीं पर देखिए हम करते क्या है, या तो आप इसी वैल्यू को फिर से रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन हम अलग थोड़ा सा करेंगे,
तो चीजें समझ में आएंगी। तो यहाँ पे हम करते क्या है, डी ओ यू बी एल डबल डी नम टू। अब यहाँ पे देखिए डी नम वन, हमने यहाँ पे नम लिया है, यहाँ पे नम वन, इसलिए ताकि डिफरेंस हो। दो वेरिएबल एक साथ सेम तरह के नहीं बनाए जा सकते, और इसमें नंबर हमने सेव कर दिया, ये मतलब साइन कर दिया। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, आई एन टी आई अंडर स्कोर नम वन। अब यहाँ पे ध्यान है क्या किया था हमने, आई एन टी कीवर्ड्स का यूज किया था, उसके बाद हम यहाँ पे वेरिएबल दिए थे जिसे टाइप कास्ट करना था। अब यहाँ पे हम इसे देते हैं, कौन सा है ये, नैरो विंग कास्टिंग, नैरो विंग कास्टिंग, ठीक। अब यहाँ पे इतना होने के बाद इसे प्रिंट कराते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। अब यहाँ पे पहले डी को देते हैं, डी नम वन, ध्यान देना है, देन सिस्टम डॉट प्रिंट एलएन। दूसरा यहाँ वेरिएबल क्या दिया हमने, आई नम वन, और यहाँ पे हमने मेन को भी क्लोज किया, और ये हमारी क्लास, ठीक है। अब यहाँ पे देखना ये है कि हमने दोनों को किया है, और दोनों का जो भी आउटपुट हमें मिलना है वो हम यहाँ पर तुरंत ऑब्टेन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, एक टाइप कास्ट क्लास ली जिसमें दोनों टाइप कास्टिंग कर रहे हैं, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को इंक्लूड किया, फिर यहाँ पे इंटीजर टाइप को 9 दिया हमने। जब इसे यहाँ टाइप कास्ट किया, किसमें वेडनिंग में यहाँ पे टाइप कास्टिंग हो रही है ये बता रहा है, और यहाँ पे कमेंट दे देंगे, और यहाँ पे सिस्टम आउट प्रिंट एलन में उसकी वैल्यू प्रिंट। सबसे पहले हमने इसको प्रिंट कराया, यहाँ ध्यान दीजिए आउटपुट में ये क्या देगा, यहाँ सबसे पहले यहाँ पे 9 को प्रिंट कर देगा। किसको प्रिंट कर देगा, 9 को, क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स यही है, कोई चेंज नहीं हुई है। उसके बाद हमने यहाँ पे टाइप कास्ट किया, इसको यहाँ पे प्रिंट कराया, तो इसको जब हमने यहाँ पे प्रिंट कराया तो देखते हैं आउटपुट क्या आएगा। यहाँ पर जब ये किसमें टाइप कास्ट हो रही है, ये हमें ध्यान देना है, डबल में टाइप कास्ट हो गया। तो डबल में जब ये वैल्यू टाइप कास्ट होती है तो ये वैल्यू 9 से चेंज होकर 9.00 हो जाएगी, ठीक है। अगर कोई वैल्यू होती है तो वैल्यू इंक्रीमेंट कर जाती है, ठीक है। आगे फिर उसके बाद ये तो बैटनिंग हो गई, बैटनिंग के बाद फिर हम यहाँ पे आगे नैरोविंग टाइप कास्टिंग के कॉन्सेप्ट पे। तो यहाँ पे हमने एक लिया लार्जेस्ट साइज ऑफ डेटा टाइप और डबल, और डबल में हमने ये वेरिएबल बनाया डी नम वन। डी नम का हमने एक वेरिएबल बनाया जो क्या है, यहाँ पे 9.75 है, 9.75 वैल्यू है, और इंटीजर यहाँ पे क्या है, आई नम वन है, ठीक। और इसमें उसको क्या करना है, ये जो डबल में हमने यहाँ वेरिएबल बनाया जो ये वैल्यू हमारी है, इसको हमें किसमें कन्वर्ट करना है, यहाँ इंटीजर में, इंटीजर में, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए, टाइप कास्ट करने के लिए, उस वेरिएबल को जब हम असाइन कराते हैं तो इसके असाइन से पहले यहाँ पर हम उस डेटा टाइप के बारे में बताते हैं, जैसे यहाँ पे हमने आई एन टी बताया, ठीक है। बड़े से छोटे में जब बड़े से छोटे में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो उसे नैरोइंग कास्टिंग करते हैं। यहाँ पर देखिए हमने किया क्या, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन में सबसे पहले डी अंडर स्कोर नम वन, मतलब इस वेरिएबल को प्रिंट किया, इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे 9.75 ये प्रिंट करेगा, सेम इट इज। और दूसरा जो ये टाइप कास्ट होके आ रहा है इसमें क्या आएगा, ये इसमें प्रिंट करेगा। तो जो टाइप कास्ट होके वैल्यू आती है तो इंटीजर मोजर है, और इंटीजर नंबर कभी फ्रैक्शनल नंबर को प्रिंट नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ रियल और नेचुरल नंबर को ही प्रिंट करेगा, और इसमें जो रियल या नेचुरल नंबर बन के निकल के आएगा वो सिर्फ 9, मतलब दशमलव के पहले वाला जो नंबर होता है सिर्फ उसी नंबर को इसमें ये प्रिंट करेगा। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि दो है, यहाँ पे दो टाइप कास्टिंग हमने बनाया, और दोनों टाइप कास्टिंग के एग्जाम्पल को हमने मर्ज करके एक ही प्रोग्राम बना दिया, ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं टाइप कास्टिंग ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद प्रोग्राम जब बनाएंगे सिस्टम पे रन कराएंगे तो चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ओके गुड बाय। आगे से हम अगली क्लास में क्या करेंगे, डेटा टाइप सब खत्म हो गए, टाइप कास्टिंग हमने बता दिया, अब आगे से कॉमनली जो भी जावा में प्रोग्राम्स होते हैं उन प्रोग्राम्स के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, सिंपली आगे हम प्रोग्राम में बढ़ेंगे। ओके गुड बाय।